नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान, फिर से किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे घर गांव गांव के पास में ही हूँ, मेरे मित्र भूषण भाई के गांव में, खिरोदा करके ग्राम है। शायद यहाँ का एक पौधा उतरते समय का भी वीडियो डाला हुआ है। और आज की डेट 11/12/2022। आइए किसान मित्र से मैं मिलवाता हूँ। ये यहाँ पे प्रतिनिधि का भी काम करते हैं, बी किसान प्रतिनिधित्व। मैं उनका थोड़ा परिचय बता देता हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं भूषण पाटिल, ग्राम खिरोदा, तालुका रावेर, जिला जलगांव। ये मैंने रेवा G9 के 5x6 पे 4,500 किलो कुल प्लांट लगाए हैं, जो 18 जून के हैं। और गणेश भाई के बी किसान के गाइडलाइन पे पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 30-40% ही फॉलोअप कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है इसमें, बहुत बहुत संतुष्टि मिल रही है। प्लाट बहुत अच्छा है। प्लाट तो बाकी तो आप देख ही सकते हैं, हाइट वगैरह, पत्ते, अंतरी वगैरह अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बुंदा लगभग अभी नापने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन नापने के लिए है ना अपने पास? अभी मतलब नापने के लिए है, चलो नाप ही लेते हैं। अपने पास सारी चीजें है ना? और नीचे लेना पड़ेगा। तीस इंच के लगभग है, नीचे जाना पड़ेगा। और 30 इंच तो आराम से है, इधर से बहुत कम है। बस ऐसा ही करने दो। यस, अभी बहुत परफेक्ट है। 32 32 इंच का तना हो 32 गया इंच का है तना हो गया है। ना? काफी इस साल बारिश की वजह से दिक्कतें आई, बराबर। लेकिन समय समय पे बात करते करते आपने जो प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन लिया, उससे काफ़ी आपको रिलीज मिला। भूषण भाई, पहले शुरुआती चरण में 2 महीने में क्या लग रहा था? कई लोगों ने आपको बोला, यार ये प्लांट चलेंगे नहीं चलेंगे। CMV इफेक्ट काफ़ी पौधों में आया था अपने क्षेत्र में। अपने यहाँ पे कम था, लेकिन अपने क्षेत्र में काफ़ी किसानों को ये CMV वायरस की वजह से कई सारी दिक्कतें या मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो CMV वायरस जब आया था, उस समय क्या क्या प्रोडक्शन आपने लिया? CMV के लिए इसके शुरू में आपने जो बताया था, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरो COC COC और और ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये डालने से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। मतलब ये 4500 प्लांट है, लेकिन इसमें बड़ी मुश्किल से 200-250 CMV से प्लांट मेरे ख़राब हुए होंगे, उससे ज़्यादा 100% नहीं है। इससे ज़्यादा के पौधे तो ख़राब है ही नहीं, क्योंकि गैप फिलिंग में आपको नज़र आता होगा यहीं में कि इधर भी 20 कोड़ों के बीच में सिर्फ एक ही पौधा दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो लोगों के आज भी अदर कंपनी के प्लाट में भी 20 पौधों में कम से कम 6-6 पौधे, 4-4 पौधे, 5-5 पौधे नहीं के बराबर है, 30% जो गैप फिलिंग तो लेस देन दोबारा है। 20% 30% कर नहीं, चुके हैं। आपने जो किसान पाठशाला का बेड़ा उठाया, कई सारे लोगों को आपने ब्लीचिंग पाउडर का सजेशन दिया, बराबर। आपका खुद का फर्टिलाइजर। मैंने खुद ने मतलब एक ऐसा है कि अदर प्लांट जो उनके लगे हैं, अपन ने उनके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर और जो अपना जो जो शेड्यूल है, जो उस समय जो रिकमेंडेड करा है आपने हमें, वो हमने दूसरे प्लांट, जो कंपनी के दूसरे प्लांट लगे अपन ने उसके लिए भी उसका अपने सजेशन किया है, और उसका उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है उनका। उसका अपने को उस बारे में अपना रिप्लाई अपने को उसका रिप्लाई भी मिला है कि ये करने से सही में भैया बहुत फायदा हुआ, नहीं तो हमारे पत्तों का तो पत्ता ही नहीं निकल रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और वो एक भी पौधा का पत्ता नहीं निकल रहा है। तो डालने के बाद लोगों को काफी सारा फायदा तो हुआ है उसका। और इस साल काफी सारी समस्याएं भी आई, अभी करपा भी आया हुआ था, अभी सिकड़ करपा भी होगा। आया है, अभी आपने जो बताया था बेनॉइल और
पेन ऑयल और नेटिव और एक ये हमने थोड़ा देसी लिया था उसमें, तो थोड़ा उससे काफी सारा मतलब रुक गया था, लेकिन आज अभी ये 5 दिन में अभी ठंड थोड़ा बढ़ गया है और उसकी वजह से थोड़े पत्ते अभी और दिखने लग गए हैं, लेकिन उसके पहले जो मारा हुआ था स्प्रे एक ही बार किया था, उसके बाद अभी तो स्टॉप हो चुका था। अभी एक बार स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि और एक बार दिख रहा है अभी कि ऐसा लगता है कि एक बार और स्प्रे करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, एक बार प्रोटेक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ठंड भी बढ़ गई है। ठंड के लिए क्या लेना, मतलब क्या गाइडलाइन अभी दी हुई है? अभी ठंड के लिए आपने मुझे मतलब गाइडलाइन वो कड़ी का चूना 2 किलो और उसके 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद सल्फ्यूरिक एसिड 1000 1 से 1.5 लीटर या 1 से 1.5 किलो छोड़ सकते हैं। तो अभी उसका अभी कल लास्ट डेज है हमारा लाइट का, तो कल कड़ी का चूना इसको छोड़ना है, उसके 2 दिन बाद वही सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट वापस करना है। जी जी ये इतना कर लीजिए क्योंकि अभी 2 दिन से ठंडी बहुत ज़्यादा है, और जिन किसानों को भी जहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, उन्होंने वहाँ का उनके खेत का वीडियो बनाकर भेजना है और वहाँ का सराउंडिंग क्लाइमेट ग्राफ हमें बताना है, क्योंकि अपने यहाँ 4 दिन पहले ऐसा था कि स्वेटर पहनने की नौबत नहीं थी शाम के समय, अभी 2 दिन से इतनी भयंकर ठंडी आ गई है कि 5 बजे के बाद में बाहर निकलना मुश्किल है, मतलब स्वेटर पहनना पड़ रहा है। तो ये वहाँ के लोकल व्यक्ति ही बता सकते हैं कि आज का वातावरण क्या है। अगर आज मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ और आप उसको 8 दिन बाद आपके खेत में फॉलो कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि 8वें दिन की समय सिचुएशन अलग हो सकती है, तो उस समय करने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले एक बार फ़ोन लगा कर पूछ लेना है। जी ठीक है जी। तो लगभग लगभग हर पौधे में तने की मोटाई तो अच्छी है क्योंकि पत्तों के नीचे अगर दिखाओगे तो ये दिखेगा पूरा रेडिश, ऊपर तक पत्तों में गैपिंग ग्रीनरी। थोड़ा सा भूषण भाई, ये थोड़े जो डॉट्स है ना, ये बढ़ रहे हैं, ये पूरा सिगाटो का और करपा का ही ये सिम्टम है। तो इसके लिए अभी अर्ली में 1 से 2 दिन में या कल हो सके तो इसका रैपिडली स्प्रे कर लो। रैपिडली मतलब क्या कि पूरे थड़ के ऊपर, पूरे पत्तों के ऊपर, नीचे से पूरा ये गीला होना चाहिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ में ऐसी नौबत आई है कि कई सारे किसानों के प्लॉट पूरे खड़े खड़े पत्ते पीले हो रहे हैं, साइड से कॉलरे जल रही है, बराबर। तो जहाँ पे फल लटक गया है वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि उस वो पौधे के साथ में उसका फल भी लटका हुआ है। जैसे आज आप बोल रहे हो कि प्रेपेकोनाजोल, हेक्सेकोनाजोल, ये सारी चीज़ें जो है झोल वाली जो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगी और आप अल्कोहल वगैरह डालोगे तो कहीं ना कहीं ये फ्लावर फल के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं दाग या बुनकी दिखाएगा ही, तो उस समय नहीं कर सकते, इसको अभी ही रोकना है, बराबर। तो इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। आप किसान भी, किसान प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे करते हो, अगर किसी को टिश्यू कल्चर पौधा खरीदना हो या गाइडलाइन लेनी हो अपने क्षेत्र में यहाँ, तो आपसे बात कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9403830901 भूषण पाटिल, राम किरोदा, तालुका रावेर, जिला जलगांव। मेरा फर्म का नाम है ओम शिवम ट्रेडर्स किरोदा। ओके, इस साल काफ़ी अच्छा वर्क किया है और जितने भी किसान आपसे जुड़े हुए हैं तो उनका रिजल्ट और उनके रिस्पांस अच्छे ही है ना, क्योंकि प्रॉपर वे में पौधा लगाना ठीक है, लगाओ या नहीं भी लगाओ, लेकिन किसान को समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि कहाँ से गाइडलाइन और कहाँ पे रुके। भले ही आप कंद लगा रहे हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, भूषण भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नमस्ते भारत, नमस्ते इंडिया, नमस्ते किसान।